वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। आप सबको इस बात का पता चल गया होगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है इग्नू कंडक्ट करवा रहा है 4 मार्च से। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे कि जितने भी आपने क्वेरीज मुझे सेंड किया है कि प्रमोशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, जितने भी आपने रिगार्डिंग इग्नू के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज सेंड किए हैं, मैं आज उस टॉपिक पे बात करूँगी। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स दूँगी, 5 ऐसे टिप्स जो आप अपने इग्नू के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, एनी कोर्सेज के, एनी प्रोग्राम टाइटल के, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से बोलूँगी, प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस होने वाली हैं आज की, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं बता, बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम आप एक सेपरेट जो डेट शीट है उसको रिलीज़ करो आप, कि फर्स्ट सेमेस्टर का अलग सा, सेकेंड सेमेस्टर का अलग सा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। एंड सेकेंड था कि बहुत सारे स्टूडेंट इन कन्फ्यूजन में हैं कि हमारे लैब के जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, और कुछ लोग को तो ये भी लगता है कि थ्योरी से पहले लैब होता है तो उसका डेट शीट में डेट है ही नहीं। सो मैं आप सबको बता दूं कि डेट शीट में आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की कोई भी डेट शीट नहीं मिलेगी, बिकॉज कि आपके जो डेट शीट प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं वो थ्योरी पेपर के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं एज रिगार्डिंग इग्नू। सो आप जब प्रैक्टिकल के थ्योरी के एग्ज़ाम जब आप कंप्लीट अप करोगे, देन आपको प्रैक्टिकल के आरसी वाइज आपको जो आपका आरसी होगा उसके वो जो होंगे वो एक डेट शीट रिलीज़ करेंगे, जहां आपके इनरोलमेंट नेम के थ्रू यानी लिस्ट होगा जिसमें आपका भी नाम होगा और उसमें टाइम और आपको वो चीज़ लिखा मिलेगा। तो मैं वो सारे डेट शीट जब आएंगे आपके प्रैक्टिकल के, वो आरसी वाइज होता है। अभी आरसी रांची का रिलीज़ कर दिया गया है प्रैक्टिकल का, दूसरे कोर्सेज के, अभी बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट के लिए को नहीं है, अभी प्रैक्टिकल का आया है। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि थ्योरी पेपर के बाद ही होता है, आप लोग प्लीज़ निश्चिंत रहें। और मेरे ग्रुप से जब ज्वाइन हैं आप टेलीग्राम पर, तो आप हमेशा रिलैक्स रहें, आप ग्रुप में एक्टिव रहें, आपको सब पता चल जाएगा। थर्ड थिंग है कि प्रमोशन स्टूडेंट, प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए, जैसे कि आप सबको पता था कि जनवरी जन स्टूडेंट के जुलाई 2020 के एडमिशन थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था जनवरी 21 में, और जिन्होंने एडमिशन करवाया था 2021 में, जनवरी 2021 में उनको प्रमोशन मिला था, आई मीन है, एंड उन्हें नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 मार्च से, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके, ठीक है। तो उनको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं जो कि हैं कि जो प्रमोशन मिले थे वो कैंसल्स हो गए, आपको एग्ज़ाम्स देने होंगे, ये वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्रमोशन रैली में मिला है एंड आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है मार्च में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि ये एग्ज़ाम फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं या नहीं। हाँ, आप बिल्कुल अभी फिल कर सकते हैं, बट अभी जो फिल करने का टाइम है ना, आप खो चुके हो, तो आप अपने रीजनल सेंटर पे जाके फॉर्म को ऑफलाइन फिल कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, बट आपको लेट फी लगेगा 1100, ठीक है। लेट फी होता है इग्नू का 1100, और वो पोर्टल जारी कर दिया गया है, आप लोग जाके अपने जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो फिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम सेंटर जो हम लोगों ने पहले फॉर्म फिल किया था, तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है कि नहीं इग्नू में। तो हाँ, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं, और आप चेंज करने के लिए आपको एक पोर्टल जारी किया जाता है, जो पोर्टल ओपन हो गया है, मैं आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके अपने रीजनल सेंटर से जब भी बिलोंग करते हैं, आप वहां जाके डाल के अपने जितने भी एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं आप वो चेंज कर सकते हैं, बिकॉज़ कि हॉल टिकट आने से पहले, ठीक है। एंड हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉल टिकट्स कब आएंगे,
बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा कंफ्यूज हैं कि कुछ कुछ कोर्सेज के जैसे PhD लेवल के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, बट BSA वाले MCA वाले के अभी नहीं आए हैं। तो उन लोगों को लग रहा है कि हॉल टिकट जारी कर दिया गया है, हमारा इनरोल नहीं हो रहा है, नॉट फाउंड शो कर रहा है। सो लिसन, अभी हम आपका जो एडमिट कार्ड है, आपको जो हॉल टिकट है, जारी नहीं किया गया है इंटरनली। अब मैं कहूँ तो आपको 24-25 तक आपको हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा। मैंने दिल्ली बात किया था तो उन्होंने कहा कि आपको 24 या 25 फरवरी तक ये लागू कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। जनरली इग्नू इग्नू हॉल टिकट रिलीज 7 डेज पहले करते हैं, 7 to 10 days, बट इसका कोई कंफर्म डेट नहीं होता है, बिकॉज़ कि 28 दिन पहले भी लागू कर देता है। कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले लागू करता है। सो बट जनरली देखा गया है कि 10 to days, 7 to days में अपलोड कर दिया जाता है। अब आप लोग के क्वेश्चन थे कि मैम आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करेंगी कि एग्ज़ाम में पास हो पाएँ। सो आपको एग्ज़ाम में पास आउट करना है ना इग्नू के, तो आपको सेक्शन वाइज जितने भी ब्लॉक्स आपके दिए होते हैं बुक में, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे अपलोड है, आपके सब्जेक्ट वाइज, आपके सेमेस्टर वाइज मैंने अपलोड कर रखा है। आप वो वहाँ से जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नोट्स भी बहुत सारे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उसको रीड आउट करो, अपने तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करो, और आप 100% श्योर कह सकती हूँ कि 70 to 80 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर मेरे नोट्स को आप पढ़ते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सेमेस्टर वाइज आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ नोट्स का होगा, प्लेलिस्ट होगा एक्चुअली, जहाँ आपको नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस पेपर, इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस आप लोग को वहाँ दिया जाएगा। नाउ आप एंड ऑफ द वीडियो मैं कहूँगी कि आप लोग को कुछ टिप्स देना था, जो कि मैंने आपको कहा था कि एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊँगी कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में, और क्या टिप्स होते हैं इग्नू को एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो हेयर, ये तो आप लोग को सबको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, या एक प्रॉपर टाइम टेबल का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सब्जेक्ट वाइज को, अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए। बट मैंने वीडियो भी बनाया था कि फर्स्ट सेमेस्टर की कैसे क्लियर करें, क्या क्या बुक है, क्या क्या क्वेश्चन को आपको कैरी करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मैंने सारे फेस टू फेस एक्चुअली मैंने वो वीडियो करा था, तो आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि थोड़ा बहुत मैं आप लोग को जनरली बताते जाऊँगी कि क्या करना है, नहीं करना है। आपको पहले मैंने जैसे कि बताया कि एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी, तो आप प्लानिंग को स्टार्ट नहीं करोगे जब तक तो तब तक तो हो नहीं पाएगा। सेकेंड टिप्स ये कहूँगी कि आप लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कि आप अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखो, ताकि आप लोग को माइंड फ्रेश और क्लीनिंग का एहसास हो, जो कि आप प्रॉपर अपने पीसफुली अपने जो भी बुक्स हैं उसको कवर कर पाओ, ठीक है। थर्ड की मैं बोलूँगी कि BCA के एग्ज़ाम या MCA के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप लोगों को फ्लो चार्ट्स, जैसे डायग्राम, एग्जाम्पल्स, फिगर्स, इस सबको हमेशा माइंड में रखना होगा, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हो तो उसमें आपको चेक करना होगा कि किसी इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हैं या नहीं, डायग्राम्स फ्लो हो पाएगा या नहीं, मतलब है ना, ये सारी चीज़ों का एग्ज़ाम्पल आप कभी छोड़ नहीं सकते, आपको एग्ज़ाम्पल्स देने ही देने हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ठीक है। फोर्थ मैं आपको टिप्स दूंगी कि अपनी जितनी भी सारी प्रैक्टिस ओल्ड जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे नहीं होता, किसी और से सॉल्व मांगो और उसको देखो कि क्या क्वेश्चन है, नहीं है, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, कौन बार बार पूछ रहा है, कौन इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट से बात याद आया कि आपको इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन के भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इग्नू से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आप लोग को चाहिए होगी इस चैनल पे आप लोग को मिलेगी। एंड हाँ, आप लोग के लिए मैंने, आप लोग ने जैसे कहा था कि एक व्लॉग चैनल स्टार्ट करो, इस चैनल पे व्लॉग आप मत डालो, तो मैंने एक व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, आपको एंड में दिख जाएगा सब्सक्रिप्शन, उसको आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना उस चैनल को। थर्ड फिफ्थ मैं आप लोग को कहूँगी टिप्स की, फिफ्थ टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इग्नू अपने आंसर शीट को शीट जो है उसके पेजेस को कम कर दिया है, तो आपको आंसर्स अपने पॉइंट्स वाइज देने होंगे, ठीक है। आप आंसर्स को पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ऐसे आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, बट पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपके आंसर्स जस्टिफाई हो पाएंगे, प्रॉपरली दिखेंगे, है ना। और एग्जांपल्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि एग्जांपल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए, अपने आंसर्स को आप एक्सप्लेन कर पाओगे प्रॉपर, ठीक है। तो ये थी आप सबके लिए फाइव स्टडी टिप्स जो कि मैं आप सबके कहने पर लेके आई हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए मत देखना, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड है उसको विजिट ज़रूर करना, एंड उन सारी वीडियोस को भी लाइक शेयर करना, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे को ताकि मैं आप लोग के लिए और भी वीडियोस को ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बताना भूल गई कि आपके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेरीज, सॉरी फॉर दैट, बट एंडिंग मैं बता देती हूँ। एज द इग्नू एज इज स्टार्टेड फ्रॉम मार्च फॉर मार्च ऑफ ऑफ द स्टूडेंट बिफोर यू, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू कीप योर claim for the 4 March to 9 April. Pay attention to think one thing. In May, March, I think is March is your assignment was to be submitted at the study center. But now in March is examination will be conducted at all the study center. So your assignment submission may be interrupted as a IGNU study center in March or April. So if you go and he tells you to come later and then both are timing you are lost and both money you are lost. So we want to give bias ki it will be fine if you travel to center according to your study of the you can as a per wish but keep this mind that your session is July 2021. Student who had to done this mission between May to 23 December 2021, you also see your session and admission form to bottom of corner. Please be quiet for any other help, and you can do Telegram groups message after some time and we will definitely get replied, and special messages for July 2021 student. I hope your exam will be great, and thank you for stay tuning, and best of luck your exams. Stay safe, stay healthy. Bye bye.